हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 10th एंड टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ओके, द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, ये जो है वो चैप्टर नंबर क्या है? ओके, 4 है। किस टेक्स्ट बुक में? आर एस अग्रवाल की टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर नंबर 4 है। बट प्लीज़ रिमेम्बर, मैंने जो चैप्टर नंबर 3 के कुछ वीडियोस डाले हैं, पार्ट 6 और पार्ट 7, उसमें मैंने वीडियो में बाय मिस्टेक चैप्टर 4 बोल दिया है। सो ओके, सॉरी फॉर दैट। दैट इज़ चैप्टर नंबर ओके 3, पार्ट 6 एंड पार्ट 7 वीडियो, एंड आई हैव पिन्ड द कमेंट ऑल्सो इन दैट वीडियो। सो प्लीज़ डोंट वरी, एंड ये इस बात के लिए भी वरी मत रहे कि चैप्टर नंबर 3 के कुछ और प्रॉब्लम्स हम करेंगे। डोंट वरी, हम और वीडियो लेके आएंगे चैप्टर नंबर 3 के वीडियोस प्रॉब्लम्स के साथ। सो बट यहाँ पे मैं अभी स्टार्ट करना चाहता हूँ चैप्टर नंबर 4, सो दैट हमारा ये पैरेलली चलते रहेगा। दोनों सेम है, इक्वेशंस के बेस्ड है, कंप्लीट एलजेब्रा है। सो इट विल नॉट बी एनी कन्फ्यूजन, देयर विल नॉट बी एनी कन्फ्यूजन बिटवीन दोज टू थिंग्स। वहाँ पे भी हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं, हियर ऑल्सो वी विल फाइंड आउट द रूट्स। सो लिसन, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 10th एंड टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड दैट इज द चैप्टर नंबर 4, एंड चैप्टर नंबर 4 का ये पार्ट नंबर 1 है। रिमेंबर दिस पॉइंट, क्लास 10th चैप्टर 4 पार्ट 1, द नेम ऑफ द चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो आप ये वर्ड क्वाड्रेटिक, ओके, इस वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है? डिग्री क्या होना चाहिए इक्वेशन का? 2 होना चाहिए। देयर विल बी अ वेरिएबल, एक वेरिएबल होना चाहिए वहाँ पे, जिसके एक्सपोनेंट कितना, पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। सच इक्वेशंस, ओके, लाइक दैट ax स्क्वायर वी हैव bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये वाला जो फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हमारे पास एक एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था क्या, श्रीधराचार्य, ओके, श्रीधराचार्य, जिन्होंने पहली बार अ कंप्लीट एंड एग्जैक्ट मेथड दिया था टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, ओके, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म लाइक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और इन्होंने क्या बोला था, मेथड का नाम था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इन्होंने कहा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है वो भी हम देख लेंगे। उनका नाम ये रिमेंबर कर लो, उनका नाम था श्रीधराचार्य, ओके, एंड ही गेव अ फॉर्मूला टू सॉल्व इक्वेशन टाइप ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दैट इज द क्वाड्रेटिक, एंड दिस इज बींग यूज एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग सच एन इक्वेशन। हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही दिए, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला उन्होंने क्या बोला, ओके, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला व्हाट ही टोल्ड दैट, ओके, अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इफ वी हैव दिस काइंड ऑफ व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे क्यू ई लिख रहा हूँ, ओके, शॉर्ट फॉर्म में, सो दिस इज नथिंग बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, डिग्री 2 होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री? अगर कोई हमारे पास इक्वेशन है उसका, ओके, हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर वैल्यू होता है वही डिग्री होता है। तो ये सब तो अब बेसिक चीज़ें हैं। आई थिंक यू आर सो एनफ मैच्योर टू अंडरस्टूड व्हाट इज़ द डिग्री, व्हाट इज़ इक्वेशन, व्हाट इज़ डिग्री 2 इक्वेशन, व्हाट इज़ डिग्री 1 इक्वेशन, वो पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में मैंने आपको कंप्लीट बताया था। देखिए, पॉलिनोमियल वाला चैप्टर ही यहाँ का बेस है, इसीलिए पॉलिनोमियल पहले दिया है, क्वाड्रेटिक बाद में दिया है। नाउ यू गॉट वाई वी आर वाई, ओके, सिलेबस हैज़ बीन अरेंज लाइक दिस। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड हु वॉज द मैथमेटिशियन, हिज नेम वॉज श्रीधराचार्य, ओके, ही टोल्ड दैट बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ, ओके, वट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ही टोल्ड दैट, ओके, द रूट्स या फिर ये कह लो सोल्यूशन, ओके, उन्होंने कहा कि रूट्स ऑफ दिस सोल्यूशन इज गिवेन बाई अल्फा एंड वी हैव बीटा।
बट वट इज अल्फा हियर माइनस बी ओके प्लस अंडर रूट डी बाई हाउ मच टू ए एंड ही टोल्ड बीटा इक्वल टू माइनस बी एंड माइनस अंडर रूट डी बाई हाउ मच टू ए ही टोल्ड दिस डी इज नथिंग बट हाउ मच ओके सॉरी ये डी इज नथिंग बट सॉरी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी एंड दिस डी इज कॉल्ड एज वॉट दिस डी इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट वॉट इज दैट डिस्क्रिमिनेंट मतलब उन्होंने कहा कि ही टोल्ड दैट वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अगर वॉट डू यू मीन बाई सॉल्विंग ओके सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वॉट डू यू मीन बाई दिस ये सॉल्व करोगे तो आपको क्या आएगा आपको फाइनली रूट्स आएंगे रूट्स मतलब क्या यू विल गेट अल्फा एंड बीटा वैल्यू ऑफ एक्स एंड सॉरी एक्स सच दैट व्हेन यू विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर यू विल गेट जीरो दैट इज नथिंग बट व्हाट दैट इज नथिंग बट द रूट्स सो ही गेव अ फॉर्मूला व्हाट इज दैट फॉर्मूला माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डी बाई टू ए टू ए मतलब ये है उन्होंने दिया कि ये है रूट्स एक बार माइनस बी प्लस रूट डी कर दो टू ए और एक बार माइनस बी माइनस रूट डी कर दो टू ए और वो उन्होंने बोला कि डी जो है उसे क्या बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं विच इज गिवेन बाई अ वैल्यू डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अब ये ए बी सी ये सब क्या है ये सब कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है ए है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है ए है एक्स की कोएफिशिएंट क्या है बी है एंड सी हियर या क्या है ये सी है वो कॉन्स्टेंट टर्म है सो दिस इक्वेशन दिस फॉर्मूला ही गेव हु श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैं आपको क्वाड्रेटिक ओके इक्वेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अ वेरिएबल एक्स ओके अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन व्हाट इज दैट वेरिएबल व्हाट एक्स एक्स में है ओके इज एन इक्वेशन ये एक ऐसा इक्वेशन है ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म में ओके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो लेकिन वहाँ पे ये जो ए है जो बी है जो सी है ये सब क्या होने चाहिए रियल नंबर्स होने चाहिए और जो ए है एक दूसरी कंडीशन क्या है नॉट इक्वल टू जीरो अब आप यू कैन आस्क मी यू कैन इम्पोज अ क्वेश्चन सर व्हाई ए इज नॉट इक्वल टू जीरो हियर व्हाई दिस कंडीशन हैज बीन गिवन अगर आप ले लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है अगर यहाँ पे आप जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपके पास जीरो हो जाएगा मतलब ये टर्म ही पूरा हट जाएगा तो बच गया ये दैट मीन्स बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड नाउ यू टेल मी व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन डिग्री इक्वल टू वन बिकॉज जो वेरिएबल है एक्स का हाइएस्ट कॉम्पोनेंट क्या है वन है तो ये क्वाड्रेटिक कहाँ से हुआ इट बिकम्स लीनियर होते ये तो हो गया सो टू मेक दिस इक्वेशन ओके व्हाट क्वाड्रेटिक वी शुड हैव अ वेरिएबल ओके इट्स पावर शुड बी टू सो दैट वी कैन फॉर्म दिस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू इज इन सो इट इज कॉल्ड एज ओके क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज वाई वी हैव अ कंडीशन लाइक ए शुड नॉट बी इक्वल टू ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो नाउ यू गॉट द बेसिक आइडिया व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाउ हियर वी हैव नाउ हमारे पास एक दूसरा टॉपिक है कि रूट्स क्या होता है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास अल्फा ओके अल्फा इक्वल टू हाउ मच इज कॉल्ड अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम कह रहे हैं कि यह अल्फा है क्या है रूट है ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारे पास इक्वेशन क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पे आप एल एच एस पकड़िए और अगर x की वैल्यू में अल्फा रूट है मतलब x की वैल्यू क्या है अल्फा है तो a इंटू अल्फा ओके व्हाट इज दैट a इंटू अल्फा हो जाएगा आपके पास स्क्वायर में b इंटू अल्फा प्लस सी अगर ये वैल्यू जीरो आ गया विच इज इक्वल टू आर एच एस देन व्हाट वी कैन से दैट येस अल्फा इज अ रूट ऑफ
ओके इक्वेशन, और वी कैन से इफ अल्फा इज ए रूट ऑफ इक्वेशन देन ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो. ओके इफ दिस इज इक्वल टू जीरो देन दैट इज, सो हेंस व्हाट वी कैन से एक्स इक्वल टू अल्फा सेटिस्फाइज द इक्वेशन. ओके सेटिस्फाइज द इक्वेशन हम ये बोलते हैं, एक्स इक्वल टू अल्फा सेटिस्फाई द इक्वेशन. चलिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है. इफ ओके ए सॉरी यहाँ पे इफ एक्स इक्वल टू अल्फा, ओके एक्स इक्वल टू अल्फा विच इज अ रूट ऑफ सॉल्यूशन, देयरफॉर ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा. और फिर हम क्या बोलते हैं, तो हम कहते क्या हैं, एक्स इक्वल टू अल्फा ओके सेटिस्फाइज, व्हाट इज दैट, सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, व्हाट इज दैट, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. या फिर हम एक और टर्म में इसे बोल सकते हैं सेकेंड में, x इक्वल टू जो अल्फा है इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इज अ सॉल्यूशन ऑफ ओके इक्वेशन, व्हाट इज दैट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. सो व्हेनेवर यू विल गेट अ क्वेश्चन लाइक फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस जीरो, सो इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग द x वैल्यू ओके विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन. वेन यू विल पुट द एक्स वैल्यू इन दिस इक्वेशन, द वैल्यू शुड बी, द इक्वेशन वैल्यू शुड बी इक्वल टू जीरो. सो दैट इज कॉल्ड एज द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जो कि हमने ओके पॉलिनोमियल ओके वाले चैप्टर में हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया, जीरोज ऑफ द ओके पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमारे पास यही तो है पॉलिनोमियल. सो उसी का वो रूट हो कह लो या फिर जीरोस कह लो या फिर कुछ भी कह लो. सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके इफ समबडी इज सेइंग सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहा है, ही इज टेलिंग यू इनडायरेक्टली दैट फाइंड ओके इट्स रूट्स, फाइंड इट्स रूट्स. वो इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि इसके रूट फाइंड आउट करो. यू गॉट इट. सो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स है एग्जाम्पल में. लेट अस टेक एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर इज टू वन बाई फोर. ना वेदर दे आस्किंग ये क्वाड्रेटिक ओके है कि नहीं है, यस और नो, टेल मी वेदर दिस इक्वेशन विच हैज बीन गिवेन हियर इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. सो लेट अस टेक द LCM हियर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा सॉरी यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू द पावर ऑफ ओके एक्स टू द पावर ऑफ फोर हो जाएगा, वन हो जाएगा यहाँ पे, और ये 16 और वह 17 बटा में 4 हो जाएगा. एज यू आर सीइंग हियर ओके दिस ओके एक्स टू द पावर ऑफ फोर के फॉर्म में आ गया, ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 17 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 17 एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू जीरो. अब आपके पास जब ये है तो हाउ कैन यू से दे इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री क्या है 4 है, बट ये क्वाड्रेटिक कैसे हुआ, ये दूसरा हो गया ना. सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज नॉट व्हाट, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो यू कैन चेक ऑल अदर ओके प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ द एक्सरसाइज ओके वन व्हाट इज दैट फोर्थ चैप्टर है ना, द 4A. ओके यहाँ तक तो इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लिया. अब हमारा अगला जो टारगेट है वो है कि सॉल्विंग ओके द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब आपके पास व्हाट आर द वेज ओके बाय यूजिंग दोज वेज यू कैन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. द वेरी फर्स्ट थिंग ओके यू शुड नो बाय फैक्टराइजेशन. व्हाट इज दैट, बाय फैक्टराइजेशन. इफ व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टराइजेशन, लेट अस टेक वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. बट इफ वी लेट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, जहाँ पे यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो तभी तो क्वाड्रेटिक होगा. लेट एक दिस कैन बी एक्सप्रेसिबल एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर एक्सप्रेशन.
हम इसको क्या बोल रहे हैं कि लेट इट कैन बी एक्सप्रेसिबल, एक्सप्रेस कर सकते हैं इन ओके प्रोडक्ट ऑफ हाउ मेनी टू लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन के प्रोडक्ट में हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमको क्या कहना है, लेट करना है, और वो दोनों एक्सप्रेशन क्या है, पी एक्स प्लस ओके क्यू और आर एस, यहाँ पे आर एक्स प्लस ओके एस, ये दोनों हमको ये मिल गया। वे पी क्यू आर एस जो है, पी क्यू आर एस जो है आर रियल नंबर्स, पी क्यू आर एस जो है वो क्या है, रियल नंबर्स है, सच दैट पी जो है इसमें जीरो नहीं होना चाहिए। सो व्हाट वी कैन से हियर, वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू जीरो, इट गिव्स यू ओके पी एक्स, आई टोल्ड यू कि हम उसका फैक्टर्स में कर सकते हैं, तो आर एक्स प्लस क्यू, पी क्यू आर यहाँ पे एस कर दीजिए इसको ओके, यहाँ पे प्लस यहाँ पे एस, आर एक्स प्लस एस। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, इफ दिस इज इक्वल टू जीरो, यहाँ ये इफ दिस इज इक्वल टू जीरो, मैंने इसको ये बोल दिया तो दिस इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यू गॉट इट, जीरो, दैट मीन्स इफ दिस इंटू दिस, अगर आपके पास x इंटू वाई इक्वल टू जीरो रहे तो या तो x इक्वल टू जीरो हो सकता है या फिर y इक्वल टू जीरो हो सकता है, दोनों में से तो कोई एक तो जीरो होगा, तभी तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो सिमिलरली इन द सिमिलर वे पी एक्स प्लस क्यू मे बी जीरो होगा या फिर आर एक्स प्लस एस हो सकता है जीरो। इफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस क्यू बाई पी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एस बाई आर, सो दीज आर द टू वैल्यूज वी हैव गॉट। सिमिलरली वी हैव एन एग्जाम्पल प्रॉब्लम ओके, दैट इज द पेज नंबर 175 ओके, पेज नंबर 175 एग्जाम्पल वी हैव सॉल्व एक्स प्लस टू, वॉट इज दैट एक्स प्लस टू और 3x माइनस 5 इक्वल टू जीरो, हमें इसको सॉल्व करना है। तो इफ दिस इंटू दिस, ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज है, तो या तो ये जीरो है या फिर क्या है 3x माइनस 5 ये जीरो है, जब ये जीरो है x इक्वल टू माइनस 2 आ गया यहाँ पे, और जब ये जीरो है 5 प्लस हो गया और ये 3 डिवाइड इंटू में है तो यहाँ पे डिवाइड में हो गया, सो या तो माइनस 2 या फिर 5 बाई 3, ये है उसके क्या ओके रूट्स। सो ये उसके रूट्स हो गए। चलिए हम एक और प्रॉब्लम करता हूँ, लेट अस टेक वी हैव अ प्रॉब्लम लाइक 5x स्क्वायर माइनस 8x व्हिच इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे इसको इस तरीके से फैक्टर करिए, यहाँ पे x कॉमन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 5x हो जाएगा माइनस हाउ मच 8 इज इक्वल टू जीरो, अगेन ये इंटू में है तो मतलब या तो x इक्वल टू जीरो हो सकता है या फिर 5x माइनस 8 ये जीरो, दोनों में से कोई एक जीरो होगा तभी तो जीरो होगा, तो ये तो जीरो हो गया, ये वाला ये 8 इधर प्लस हो जाएगा और ये 5, तो 8 तो ये इसके रूट हो गए जीरो और 8 बाई कितना 5, सो दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इन द नाइन्थ क्लास वी हैव लर्नड अ थिंग ओके, हाउ टू फैक्टराइज ओके, फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, बाय स्प्लिटिंग, व्हाट इज दैट, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो हम इसे यूज कर लेंगे फैक्टराइजेशन के लिए यहाँ पे। चलिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, लाइक 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू विच इज इक्वल टू जीरो। ओके, सो यहाँ पे अगर आपके पास ये फैक्टराइजेशन आपको याद होगा, ये 6 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 12, और इसके आप इसके प्राइम फैक्टर्स कर दीजिए, निकाल दीजिए इसके, लाइक 2 6 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा मतलब आपको 2 2 3। अब इसमें कुछ ऐसा पेयर बनाइए आप इसमें से, सो दैट आपको इन दोनों को ऐड करें तो आपको यहाँ वाले टर्म आ जाए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं जैसे कर रहा हूँ, ये 2 2 जा 4 हो गया, 3 हो गया ओके, 4 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 1, और 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, तो आ गया हमारे पास 4 और 3, तो हमने इसे ब्रेक कर दिया है 4 और 3 के उसमें, तो वी हैव मल्टी स्प्लिटेड द मिडिल टर्म। चलिए कैसे, ये 6x स्क्वायर वैसे लिख दीजिए, माइनस चूंकि आना है तो इसलिए बड़ा वाला हम माइनस में ले लेंगे,
और ये तो यहाँ पे देखिए, आप ये देखिए -12x² हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से अगर आप यहाँ कॉमन कर लेते हो, कितना 2x कॉमन कर लेते हो, हियर यू विल गेट 3x माइनस, यहाँ पे 2, और यहाँ पे +1 कॉमन कर लो तो 3x माइनस 2। वन थिंग देखिए, यहाँ पे 3x माइनस 2 है, यहाँ पे भी 3x माइनस 2 है, सो टेक कॉमन 3x माइनस 2, और ये हो जाएगा रिमेनिंग टर्म्स आपके पास इतना। सो ये फॉर्म में आ गया किसके, फैक्टराइजेशन। यहाँ पे ऐसे साइन देते रह जाइए, इक्वल टू नहीं, आप ऐसे एरो देते जाना। सो ये हो गया। सो हेंस व्हाट वी कैन से, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब ये रहेगा तो यहाँ पे आपको 2/3 हो जाएगा, और जब ये रहेगा तो यहाँ पे -1/2 हो जाएगा। सो दीज आर द रूट्स विच वी हैव ओके डिराइव्ड, x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -1/2। सो दीज आर द टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके रूट्स, ओके क्वेश्चन में था कि सॉल्व इसको, सॉल्व का मतलब क्या होता है। ओके क्वेश्चन में देगा कि सिर्फ सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व का मतलब क्या होता है, सॉल्व का मतलब होता है फाइंडिंग ओके रूट्स, फाइंडिंग रूट्स होता है इसके। तो ये इस तरीके से हमको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने हैं। अगर अगर आपके पास कुछ सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड, अगर लेटेस्ट एक क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज दैट, 4x² माइनस आप 4ax कर दीजिए, और यहाँ पे प्लस a² माइनस b² ओके इक्वल टू, यहाँ पे आपके हो गया 0। देखिए ये हो गया x² प्लस bx प्लस c, c कॉन्स्टेंट पूरा ये वाला वैल्यू है हमारे पास। तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ओके यहाँ पे अगर आपके पास जो -4a टर्म है, ओके कैन वी राइट इट एज ए लाइक माइनस ओके 2 इंटू व्हाट इज दैट a+b ओके, और ये ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर देना, और फिर आप ब्रैकेट ओपन करके -2a - b। एक्चुअली यहाँ पे भी हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमको यूज़ करना है। जैसे देखिए, मैं आपको अभी एक छोटा सा शो करता हूँ, यहाँ पे दिखलाता हूँ, यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म तो यही है, ये -4a। हम इस -4a को ही ब्रेक करना है, ओके -4a को ही ब्रेक करना है, ठीक है, किसमें, एक पी और मतलब दो टर्म में ब्रेक करना है। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए, और इन दोनों का जो एडिशन होगा पी प्लस क्यू, वो जो एडिशन होगा वो ये होना चाहिए। ओके चलिए ब्रेक करते हैं कैसे, तो वही मैं बता रहा हूँ कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फॉर्मूला वी आर ओके अप्लाइंग हियर, ओके एज शोन, ओके एज गिवेन हियर। लेट अस सी, हमारे पास मिडिल टर्म ये है, कैन वी राइट, देखिए माइनस यहाँ पे 2, यहाँ पे अगर आप ए प्लस बी कर देते हो, ओके और ये ब्रैकेट यहाँ पे ऐसे कर दो, फिर आपके पास -2a - b कर देते हो, देखिए आपको क्या आ जाएगा, -2a हो जाएगा, -2b हो जाएगा, और ये प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में -2a - प्लस ओके 2b हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ये यहाँ पे मैं क्लियरली लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न ना रहे, ये -2a और ये -- +2b हो जाएगा। अब देखिए -2a - 2b ओके, ये प्लस माइनस कितने क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस -2a ++ +2b, ये देखिए 2b और 2b, प्लस माइनस अपोजिट साइन है तो कैंसिल, और ये -4a, तो ये आ नहीं गया ये 4a। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं इसको मैं इस तरीके से ब्रेक किया हूँ, मैंने इसको इसमें ब्रेक किया है, ओके सो दैट दिस 4a -4a इक्वल टू दिस प्लस दिस। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए जरा सा, a इंटू बी ओके, और ये हो गया, और ये मल्टीप्लाई टू a माइनस बी, तो देखिए -2 - 2 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये a प्लस है, ये a प्लस है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा a² - b², तो ये आ गया 4a² b² इसके इसके इक्वल में नहीं हो गया, इसके इक्वल में। सो वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो केस होता है, इन इसको मिडिल टर्म को हमको ऐसे ब्रेक करना होता है कि सम करे तो मिडिल वाला आए, और मल्टीप्लीकेशन करे तो
इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो आ जाए हमारे पास। तो चलिए वी हैव ओके अंडरस्टूड व्हाई आई एम स्प्लिटिंग इन सच ए वे। ओके नो नाउ यू कैन यू आर नॉट गोइंग टू आस्क मी सर व्हाई यू हैव ओके डन स्प्लिटिंग सच लाइक दैट। तो ये अब समझ में आया, और ये हो गया हमारा प्लस, और ये माइनस टू, ये हमारा ए माइनस बी है। सो दीज आर द टू टर्म्स। अगर ये दोनों टर्म है तो चलिए वहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं कलर चेंज करके लिखूँगा, आपको क्लियरली समझ में आए। फोर एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, अब मैं फोर ए के जगह पे देखिए मैं वो टर्म लिख रहा हूँ। ओके आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड एक्स से दोनों में मल्टीप्लाई है। ओके एक्स से दोनों में मल्टीप्लाई है, रिमेंबर दैट पॉइंट। सो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस टू। ओके ओके अब ये माइनस टू लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो तो चेंज हो गया है, माइनस टू ए प्लस बी इंटू एक्स, अगेन माइनस टू ए माइनस बी इंटू एक्स, और ये रिमेनिंग एज इट इज चलते रहेगा आपका जो आप लिखते हो हमेशा। ओके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके चलिए विच इज इक्वल टू जीरो। अब आप देखिए इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। ओके इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, मैंने अभी दिखलाया था, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे। ओके टू टू जा फोर हो जाएगा, और ये दिस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो आई हैव स्प्लिटेड, रिमेंबर आई हैव स्प्लिटेड द मिडिल टर्म, नाउ यू कैन टेक कॉमन हियर टू एक्स। तो यहाँ हो जाएगा टू एक्स बच गया, टू एक्स कॉमन कर दिए तो माइनस क्या बचा है अंदर ए प्लस बी, ये ए वाला ब्रैकेट ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पे इस दोनों में से मैंने ले लिया है, यहाँ देखिए a माइनस बी है, यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो यहाँ पे भी आप क्या a माइनस बी कॉमन, माइनस a माइनस बी कॉमन कर लोगे तो यहाँ पे बचेगा 2x, क्योंकि ये माइनस मैंने कॉमन कर लिया है तो अंदर बच गया 2x, और ये माइनस चूंकि कॉमन कर लिया तो माइनस रखो तभी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस और अंदर वाला टर्म आपका a प्लस बी है। चलिए इक्वल टू जीरो। अब ये देखिए 2x माइनस a प्लस बी, 2x माइनस a प्लस बी आ गया, तो हम ये वाला कॉमन कर लेंगे दोनों में से, 2x माइनस ए प्लस बी वाला टर्म हमने कॉमन कर लिया, तो अंदर जो बच गया वो 2x माइनस ए माइनस बी बच गया है। अब देखिए फैक्टर के रूप में आ गया ये मल्टीप्लीकेशन, दिस इंटू दिस इक्वल टू जीरो। तो मैं क्या बताया था, चलिए मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ 2x माइनस ए प्लस बी। ओके ये हो गया हमारा एक, और इसको 2x माइनस ए माइनस बी ये हो गया जीरो। जब अब ये फैक्टर के रूप में आ गया, सो दिस इज इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो, दोनों में से कोई एक होगा तभी तो जीरो हो जाएगा। सो दिस इक्वल टू जीरो या फिर 2x माइनस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, जब ये x होगा तो ये आपके a प्लस बी बाई टू हो जाएगा, और यहाँ पे x a माइनस बी बाई टू हो जाएगा। सो नाउ वी गेट द रूट्स, यही है वो दोनों रूट्स जो हमको फाइंड आउट करने थे। सो दिस इज द वे यू हैव टू फैक्टराइज। वंस अगेन मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, अगेन एंड अगेन आई हैव स्प्लिटेड द मिडिल टर्म इंटू ओके द फर्स्ट दिस टर्म एंड दिस टर्म, इफ यू विल एड दिस टू यू विल यू आर गोइंग टू गेट दिस। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया ये वाला, और ये वाला यहाँ पे लिख दिया। ओके कूल फाइन। सो जब आप दोनों को ऐड करोगे तो माइनस फोर ए हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो फोर एक्स, ओके ये फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये वाला इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा। सो अब यहाँ पे इसमें से मैंने टू एक्स कॉमन कर लिया, किसमें से, इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से मैंने 2x कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे हमारा बच 2x बच गया और a प्लस बी बच गया। सिमिलरली यहाँ से मैंने a माइनस बी है, और यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a माइनस बी मैंने कॉमन किया, तो यहाँ पे माइनस में लेके कॉमन किया तो ये 2x प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस प्लस है तो यहाँ पे माइनस कॉमन किया तो माइनस हो जाएगा a प्लस बी। सो दोनों में ये वाला टर्म है तो इसको तो ये बच गया ये, तो अब ये दोनों फैक्टर के रूप में आ गए, तो चूंकि फैक्टर के रूप में आ गए तो दिस इज इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो, सो हैंस एक्स इक्वल टू दिस ए प्लस बी बाई टू एंड ए माइनस बी बाई टू। सो इन दिस वे यू हैव टू स्प्लिट द मिडिल टर्म। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अब हम थोड़ा सा और है इसमें क्वाड्रेटिक में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ओके जो श्रीधराचार्य जी ने रोल जो दिया था, कौन
श्री धराचार्य, ओके, जो ये हमारे गुरु हैं श्री धराचार्य, इन्होंने जो फॉर्मूला दिया था किस लिए, टू सॉल्व व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये वाला जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक का, उसको सॉल्व करने के लिए बोले थे। और उन्होंने कहा, क्या कहा था, कि जो रूट्स है वो माइनस बी प्लस आर माइनस अंडर रूट डी बाई टू ए रहेगा, जहाँ पे एक रूट होगा प्लस रूट डी बाई टू ए होगा और दूसरा रूट होगा माइनस बी रूट डी बाई टू ए होगा, ये दोनों ही रूट्स होंगे एक और दो। तो इसीलिए यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों एक साथ बोला जाता है। कैन वी हैव, ओके, यहाँ पे जो डी है उसे इन्होंने क्या बोला था कि ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। एंड दिस डी इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, सॉरी यहाँ पे ये नहीं रहेगा, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दिस डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू के बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यू गॉट इट। सो वी हैव अ प्रूफ ऑफ दिस फॉर्मूला ऑल्सो, दैट आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर दैट वी विल डू अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। लेट अस टेक, वी हैव 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, ओके, बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यू कैन डू, बट हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व बाई यूजिंग दैट। यहाँ पे हमारे पास a इक्वल टू क्या है, 9 है, b इक्वल टू क्या है, 7 है, c इक्वल टू क्या है, माइनस 2 है। चलिए हम बी स्क्वायर माइनस 4ac d का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 माइनस 4 इंटू 9 इंटू माइनस 2। तो पहले नंबर ये तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 36 टू जा 72, ओके, सो यू आर गोइंग टू गेट 120, ओके, 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, येस। तो हमारे पास पहला रूट जो होगा वो क्या होगा, अल्फा, अल्फा इक्वल टू माइनस बी, ओके, प्लस अंडर रूट डी बाई हाउ मच, 2a। तो माइनस बी मतलब माइनस 7 प्लस अंडर रूट 121 बाई 2a मतलब 2 इंटू 9, सो हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट, प्लस 111, और नीचे हो जाएगा 18। तो ये हो जाएगा 11 में से 7 जाएगा, कितना बच गया आपके पास, 4 बटा में 18 मतलब 2/9। सो यू गॉट द अल्फा वैल्यू दिस मच, एंड सिमिलरली इफ यू विल कैलकुलेट बीटा वैल्यू यू विल गेट हाउ मच, -1, जहाँ पे ये माइनस कर देना, सेम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना। सो इन दिस वे, चलिए आपको नहीं दिखलाता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं ही बता देता हूँ, माइनस बी माइनस डी हो जाएगा, नीचे 2a हो जाएगा, माइनस बी मतलब बी वैल्यू आपको कितना है, माइनस 7 है, माइनस 121 हो गया है, और नीचे आपका 18 आ जाएगा। तो ये माइनस 7 माइनस 11 बटा में 18, तो ये हो जाएगा माइनस 18 बटा में 18 हो जाएगा, तो 1, तो -1, तो यही तो मैं लिखा था यहाँ पे, बीटा इक्वल टू 1। तो अल्फा इक्वल टू हाउ मच, यू गॉट 2/9 एंड बीटा इक्वल टू -1। सो दीज आर द व्हाट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द श्रीधराचार्यस फॉर्मूला। सो इन दिस वे वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑल्सो, विच वन, रूट्स मतलब माइनस बी प्लस आर माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट बाई 2a, दिस डी वेयर डी इज इक्वल टू हाउ मच, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट आई होप, ओके, चलिए एक और टॉपिक है, ओके, वी हैव अनदर सब टॉपिक दैट इज नेचर of the roots, nature of the roots of a quadratic equation। अब वहाँ पे भी हम लोग देखे थे नेचर क्या क्या होता है, ओके, वही चीज हम अब यहाँ पे देखेंगे। एक केस वन, when d जो है वो इक्वल ग्रेटर देन जीरो, when d इज इक्वल टू जीरो, when d जो है वो लेस देन जीरो। सो ये केसेस है, ठीक है, ये केसेस हो गया। तो जब d जो है ग्रेटर देन जीरो, इन दिस केस हमारे पास जो सोल्यूशन होगा, ओके, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ओके, रूट्स आर रियल एंड
डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, नॉट यूनिक। अगर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग आएगा। इन दिस केस डी इक्वल टू जीरो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, रियल एंड क्या हो जाएगा, इक्वल। ओके, सेम आ जाएगा। व्हेन डी इज लेस देन जीरो, इन दिस केस रूट्स आर इमेजिनरी, नॉट, ओके, इमेजिनरी रूट जो है वो इमेजिनरी हो जाएगा। वी से दैट गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। ओके, नो रियल रूट्स। सो ये हो गया हमारा नेचर। व्हाट इज दैट इन द वेरी फर्स्ट केस, ओके, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, एंड रूट्स आर इमेजिनरी एंड नो रियल रूट्स। देखिए वहाँ पे हम लोग पढ़े थे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट ना। देखिए ये भी रियल वाला केस है, ये रियल वाला केस है, मतलब यहाँ पे सोल्यूशन है, देर इज अ सोल्यूशन, यहाँ पे नो सोल्यूशन मतलब नो रियल रूट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे बस हमको देखना है यहाँ पे। इफ डी डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इज नथिंग बट वॉट, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपको कंसिडर करना है। ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट जब मालूम ही है, तो यही तो है वो रूल, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग। ओके, टू ए, और ये जब और जब ये है तो यहाँ पे आपको ईच रूट इक्वल टू माइनस बी बाई, ओके, टू ए हो जाएगा, क्योंकि डी वैल्यू, अब देखो प्लस आर माइनस डी बाई टू ए होता है, डी वैल्यू ही जीरो हो गया, तो माइनस बाई माइनस बी बाई टू ए ही तो बच गया, डी वैल्यू ही जीरो हो गया, क्योंकि जीरो वाला केस ही है। अब ये है तो यहाँ पे तो नन हो जाएगा, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला नहीं है अपने पास, बिकॉज नो रूट्स, नो रियल रूट्स वी हैव। सो दिस टेबल इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू फाइंड द नेचर ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। वी विल कंटिन्यू सम, ओके, प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फोर, दैट इज क्वाड्रेटिक। ओके, कॉन्सेप्ट्स तो मैंने लगभग लगभग पूरे बता दिए हैं, अब पूरे केवल एग्जांपल्स और एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अलजेब्रा का। ओके, एंड ये जितने भी हैं पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस चैप्टर्स आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड सो इंटरेस्टिंग फॉर द मैथ स्टूडेंट्स। ओके, सो we will continue the video series on the respective chapters, okay, for the problems only. Now we have completed chapter 4, chapter we have completed, it was okay my target to complete these many chapters in the lockdown. Okay, so this is the today, how many day, kya date hai, 31, okay, kya hai, May 2020 hai. सो हमने चार चैप्टर कंप्लीट करा दिया क्वाड्रेटिक का, और हम इस पर अब प्रॉब्लम्स देखेंगे। सो इट वाज माय गोल, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रॉब्लम्स के साथ। अगर आपको डाउट्स है यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू